तीन अंकों वाली संख्या बूझना। पाँच वाई एक ऋण 23 वाई बराबर 325 में वाई का मान क्या होगा? बाएं पक्ष की संख्याओं को स्थानीय मान के रूप में लिखें। कोष्ठक में 500 धन 10 वाई धन 1 ऋण कोष्ठक में 200 धन 30 धन वाई बराबर 325। 501 ऋण 230 धन 10 वाई ऋण वाई बराबर 325। 271 धन 9 वाई बराबर 325। 9 वाई बराबर 54, अतः y बराबर 6। उदाहरण दो, ए बी गुणा ए बी बराबर ए सी सी। हल, संख्या ए बी का विस्तारित रूप है 10a धन b, इसलिए हम ए बी गुणा ए बी को लिख सकते हैं 10a धन b गुणा 10a धन b, या इनको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो मिलेगा 100 a का वर्ग धन 20 a b धन b का वर्ग। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर एक। इसी तरह से गुणनफल हमारा था ए सी सी, इसको हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं 100 ए धन 10 सी धन सी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दो। अब हम समीकरण एक और समीकरण दो की इकाइयों की तुलना करते हैं, तब हमें मिलता है 100 ए का वर्ग बराबर 100 ए, या हम कह सकते हैं कि ए बराबर 1। इसी तरह से दूसरी इकाई की तुलना करें तो हमें मिलेगा 20 ए बी बराबर 10 सी, और इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 ए बी बराबर सी। और तीसरी इकाई की तुलना करने पर हमें मिलता है बी का वर्ग बराबर सी। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर तीन, ये हो गया चार, और ये हो गया पाँच। क्योंकि समीकरण तीन में हमने देखा कि a बराबर एक है, इसलिए समीकरण चार से हम लिख सकते हैं कि 2b बराबर सी। और समीकरण पाँच में b का वर्ग बराबर c में इसे रखने पर हमें मिलता है b का वर्ग बराबर 2b, या हम इसे लिख सकते हैं b का वर्ग ऋण 2b बराबर 0, या b b ऋण 2 बराबर 0। यहाँ से हमें b के दो मान मिलते हैं, b बराबर 0 या b ऋण 2 बराबर 0। इसे हम लिख सकते हैं b बराबर 0 या b बराबर 2। लेकिन b बराबर 0 संभव नहीं है, क्योंकि यदि b बराबर 0 हो जाता है तो समीकरण चार से आप देख सकते हैं कि चूंकि 2b बराबर c है, इसलिए 2 गुणा 0 बराबर c या 0 बराबर c, तो हमें b और c दोनों के मान 0 मिलते हैं। अतः b बराबर 0 संभव नहीं है, क्योंकि b और c दोनों अलग अलग अंक हैं। तो हमें यहाँ से मिलेगा b बराबर 2, और इसलिए जब हम
समीकरण नंबर 5 में b का मान रखेंगे तो c का मान मिलेगा, यानी समीकरण नंबर 5 से चूंकि b का वर्ग बराबर c है इसलिए 2 का वर्ग बराबर c या 4 बराबर c। अतः हमें उत्तर मिला a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 4। अतः हमारा हल होगा 12 गुणा 12 बराबर 144।